इस दुनिया में हर चीज़ का एक सेंट्रल पॉइंट मौजूद है, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, चाहे वो चीज़ गोल हो या चौकोर या टेढ़ी मेढ़ी। ज्योमेट्री में इस अमल के ज़रिए किसी भी ऑब्जेक्ट में उस नुक्ते को मालूम किया जा सकता है जहाँ से उसका वज़न बराबर तकसीम हो रहा होता है। फिर सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है? क्या दुनिया की लंबाई, चौड़ाई और गोलाई को नापकर वो नुक्ता या वो जगह मालूम किया जा सकता है? इस सवाल का जवाब है हाँ। दुनिया का गोल्डन मीन कहाँ है? मैथमेटिक्स में 1.68 ऐसा नंबर है जो दुनिया में जगह जगह पाया जाता है, जैसे DNA स्पायरल में, स्नोफ्लैक्स क्रिस्टल में और अनकॉन्चेबल गैलेक्सीज की क्रिएशन में इन्हीं नंबर का इस्तेमाल किया गया है और इस नंबर को नंबर ऑफ गोल्डन मीन कहा जाता है। रियाजी के इस खूबसूरत नंबर की बुनियाद पर पुरस्रार और अहराम मिस्र की ताजुब खेज तामीर की गई है। माहिर फलकियात योन्स चापर ने भी इन्हीं नंबर्स पर मुश्तमिल इसे कीमती खजाना करार देता है। डॉक्टर स्टीवन मार्कोट की 25 साल की रिसर्च के बाद 1.618 के बारे में बड़ी यकीन से उन्होंने अपना स्टैंड कायम किया है कि दुनिया में मौजूद तमाम इंसानों की जिस्मानी साख्त इसी नंबर के तनासुब में मिलती है। इंसानी जिस्म का कोई भी हिस्सा न उससे छोटा होता है और न ही उससे बड़ा, और इस नंबर का औसत जिस चीज़ का भी निकाला जाता है उसका हुस्न और उसकी खूबसूरती बेमिसाल होती है और मुकम्मल कहलाने के लायक। फिर जब दुनिया की पैमाइश की गई तो एक ऐसा नुक्ता हासिल हुआ जहां से गोल्डन मीन के परफेक्ट नंबर हासिल हुए, यानी 1.618, और वो जगह थी मक्का मुकर्रमा, वो मोहतरम शहर जहां हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर की, फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर सानी की, जिसकी तरफ लाखों करोड़ों मुसलमान बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान रुक करके अल्लाह की बड़ाई बोलते हैं। और जब हिसाब दानों और साइंस दानों को ये मालूम हुआ कि कुरान की सूरह आले इमरान की आयत नंबर 96 में मक्का का जिक्र है, तो उस गोल्डन रेशियो में 1.618 ही है, तो वो बेइख्तियार कह उठे कि ये आयत कोई 1400 साल तो क्या आज भी नहीं लिख सकता। कुरान यकीनन इल्हामी किताब है। Thank you.